जहाँ भी जगह हमको मिलेगा, अगर आज भी कोई जगह देने को तैयार हो जाए कहीं पे कि ग्राउंड का जगह हम दे रहे हैं, तो बजाते उसको हमको मिनी स्टेडियम बनाने में 2 महीना का समय नहीं लगेगा, लेकिन जगह तो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तिया कोई बाहर से ही है भाई, और घर में जो स्वागत होता है उसका ज़्यादा महत्व हो जाता है, ठीक है ना। चूँकि बचपन से लोग हमको देखे हैं और हमको कभी किसी से यहाँ बोलचाल भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। वोट कम मिलना ज़्यादा मिलना एक अलग विषय है, वो तो समय परिस्थिति के हिसाब से होता है। तो जो खिलाड़ी खेल के हारेंगे भी सेकेंड करेंगे, वो अगला बार खेल कर फिर जीत जाए, इन लोगों को शुभकामना है। और हम अपने तरफ से आयोजन समिति को 5100 रुपया भी देंगे कि जिस प्रकार कप उप मंगाए हैं इसको और बढ़िया ढंग से इस आयोजन को आगे बढ़ाए। विधायक जी, आज ढाका प्रथम के दोस्तिया में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर? हम तो खिलाड़ी को और दोस्तिया के ग्रामीणों को, आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि इन्होंने कार्यक्रम किया और हमको बुलाया। ये तो मेरा पड़ोस का गाँव है, यहीं खेले हैं, यहीं बढ़े हैं, यहाँ के लोगों ने हमको बचपन से देखा है इस उम्र तक। तो हमको तो लगता है कि जब ये लोग बुलाते हैं तो हमको ज़्यादा खुशी होती है, इसलिए ऐसे निमंत्रण को तो सहर्ष हम स्वीकार कर लेते हैं। क्रिकेट से आपका काफी पुराना लगाव था, लेकिन खेलते नहीं थे। स्थानीय विधायक होने के नाते एक क्रिकेटरों के लिए किस तरह का सहयोग आपके द्वारा दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए हम तो जब भी विधायक बने हैं, ढाका स्टेडियम विहीन था, घोड़ासहन स्टेडियम विहीन था। जब पहली बार हम विधायक बने तो ढाका में हम स्टेडियम बनवाए थे, आजादी के बाद पहली बार ढाका में स्टेडियम बना। अभी दूसरी बार जब हम विधायक बने 20 में, तो मैं घोड़ासहन का स्टेडियम 1 साल के अंदर में बनाया और तैयार कर दिया। तो दोनों प्रखंड में मेरे यहाँ बड़ा स्टेडियम है, और छोटा जो भी फील्ड है, जब पहली बार हम विधायक बने थे तो वहाँ मिनी स्टेडियम हम बनवाए थे 12 जगह, भंडार में हुआ था, चैनपुर में, जहाँ जहाँ था और जगह मिला टुनवा में कहीं। अब हम फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। खिलाड़ी तो किसी नेता के भरोसे है नहीं, खिलाड़ी तो देख रहे हैं खेत में भी जगह मिला खाली तो खिलाड़ी खेल के अपना प्रतिभा दिखा दे रहा है। तो खिलाड़ियों को धन्यवाद है कि पूरी सुविधा नहीं मिलने के बावजूद गांव में बच्चे खेल के अपनी प्रतिभा को जो है प्रदर्शित कर ले रहे हैं, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमसे जो भी होता है, मैंने तो ऐलान किया है कि प्रत्येक पंचायत में, मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो 37 पंचायत है और नगर परिषद ढाका है, हम सभी जगह पंचायत स्तर पे क्रिकेट का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का जहाँ ग्राउंड है, जैसे दोस्तिया में ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ क्रिकेट का सामान इस पंचायत को, न कि दोस्तिया गांव को और गुहनवा को, पंचायत स्तर पे हम क्रिकेट क्लब बना दे रहे हैं, खेल क्लब बना रहे हैं, और उसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट का सामान, सामान का मतलब केवल बैट बॉल विकेट नहीं, पूरा जो इक्विपमेंट उसका है सारा सामान हम दे रहे हैं कि बच्चे अच्छे ढंग से खेलें। और इनके फिर हम इसको पंचायत स्तर से दूसरे पंचायत को, सभी पंचायतों से जो है प्रतिस्पर्धा कराएंगे, और जो पंचायत टॉप करेगा उसको हम साल में एक बार पुरस्कृत भी करेंगे। बच्चे अब अंडर 19 जो भी है ये खेलते हैं, ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं रह गया। फील्ड की कमी है, फील्ड की कमी को गवर्नमेंट के स्तर से उसका 100% समाधान संभव नहीं है। जैसे चंदनवाड़ा में था जगह, हम चाहे थे पिछले विधायक कार्यकाल में ही कि बनाएं, तो मुखिया जी लोग का शायद वो निजी जमीन है, नहीं बन पाया। हम तो चंदनवाड़ा में जगह मिला मैं वहीं शुरू करना चाहा, इसलिए जहाँ भी जगह हमको मिलेगा, अगर आज भी कोई जगह देने को तैयार हो जाए कहीं पे कि ग्राउंड का जगह हम दे रहे हैं, तो बजाते उसको हमको मिनी स्टेडियम बनाने में 2 महीना का समय नहीं लगेगा, लेकिन जगह तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया है, लोगों के लिए क्या कुछ है? भाई ग्रामीण यहाँ नहीं ना है भाई, हम इस गाँव के लोग हैं, कि मेरा घर में है ये, ठीक है ना। दोस्तिया कोई बाहर से ही है भाई, और घर में जो स्वागत होता है उसका ज़्यादा महत्व हो जाता है, ठीक है ना। चूँकि बचपन से लोग हमको देखे हैं और हमको कभी किसी से यहाँ बोलचाल भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। वोट कम मिलना ज़्यादा मिलना एक अलग विषय है, वो तो समय परिस्थिति के हिसाब से होता है, लेकिन अगर व्यक्तिगत आप पूछिएगा हमारे पड़ोस के गाँव में, तो शिकायत करने वाले कम मिलेंगे। वोट का समय आएगा तो वोट में कम हो जाते हैं, वो अलग बात हो गया, वो कोई विषय नहीं है, लेकिन इन लोगों को श्रद्धा थी, इन लोगों का प्रेम था और इन लोगों ने बुलाया, इनको धन्यवाद है, और मैं उसको सहज स्वीकार किया। दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ है? भाई शुभकामना है, खिलाड़ियों को सोचना चाहिए कि विधायक जी 5 बार हार गए तभी जीत गए, तो जो खिलाड़ी खेल के हारेंगे भी सेकेंड करेंगे, वो अगला बार खेल कर फिर जीत जाए, इन लोगों को शुभकामना है। और हम अपने तरफ से आयोजन समिति को 5100 रुपया भी देंगे कि जिस प्रकार कप उप मंगाए हैं इसको और बढ़िया ढंग से इस आयोजन को आगे बढ़ाए।